हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरो के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बन रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले क्रिकेट का महाकुंभ यानी इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि अब अपने लास्ट स्टेज तक पहुंच गया। प्लेऑफ की रेस अब काफ़ी हद तक साफ भी हो गई है, अब लगभग 10 लीग और मैच बचे हुए हैं। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं मैच नंबर 7, जिसमें आईपीएल की दो महाशक्ति यानी केके और एमआई के बीच में जंग हो गई, जहां एक तरफ कोलकाता टॉप 3 में स्टेबल है तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई की टीम बॉटम 3 में है। इस सीजन में इन दोनों की दूसरी टक्कर होगी। पिछले बार वानखेड़े में हुए मैच में जहाँ पे कोलकाता मैच जीत के आ रही है, यह मैच आपको 11 मई को कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन का अपडेट चाहिए तो हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो आगे बात करते हैं, चलते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड देखते हैं, जहां पे दोनों के बीच में टोटल 33 मैच खेले गए, जिसमें से कोलकाता 10 मैच जीत के आ रही है तो वहीं पर मुंबई 23 मैच जीत के आ रही है। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इनके वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे मैच के दिन में मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 74% रहेगा और टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो वहीं अगर बात करें के पिच रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे ईडन गार्डन के पिच सामान्य तो अपने स्पिन बॉलर्स को थोड़ा सा हेल्प करती है, लेकिन पिच बैटिंग के लिए भी अच्छी है। यहाँ पे एवरेज स्कोर 160 के आसपास का। इस सीजन यहाँ खूब हाई स्कोरिंग मैच भी देखने को मिले, तो ड्यू को देखते हुए यहाँ पे टॉस जीत कर टीम पहले बॉलिंग करना पसंद करेगी। अगर बात करते हैं, चलते हैं इनके विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 39% जीतने का चांस है, तो वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 59% जीतने का चांस है। तो दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इनका एवरेज स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनका एवरेज स्कोर 166 है, तो वहीं पर सेकंड इनका एवरेज स्कोर 153 है। तो अब आगे बात करते हैं, चलते हैं पहली टीम यानी कोलकाता नाइट राइडर्स का शॉट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे कोलकाता की टीम इस बार बिल्कुल अलग स्टाइल से खेल रही है। टीम ने सभी टीम्स को सरप्राइज भी कर दिया है, टीम इस साल टूर्नामेंट में गजब का परफॉर्मेंस कर रही है। टीम ने अब तक 11 मुकाबले में से 8 मुकाबला जीत के आ रही है और 16 पॉइंट के साथ नंबर 1 पे आ गई है। लास्ट गेम में टीम ने लखनऊ को हराया था। टीम की सबसे बड़ी ताकत सुनील राय जो इस साल बैट से जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बैटिंग में सेम हर मैच में 8 बैटर्स के साथ खेल रही है, टीम की बैटिंग में डेप्थ है। वहीं अगर ओपनिंग में बात करें तो जो कि फिलिप्स और सुनील राय हर मैच में टीम को अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं, दोनों ने अब तक 450+ रन बनाए। नंबर 3 पर बात करेंगे जो कि अंकरीश रघुवंशी, जो को चांस मिला था मिडिल ऑर्डर में, वहीं वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर की अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। लोअर ऑर्डर में बात करें तो रिंकू सिंह एंडरसन की ज़्यादा जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि रिंकू ज़्यादा चांस नहीं मिल रहा। वहीं अगर बॉलिंग में बात करेंगे जो कि 5 बॉलिंग ऑप्शन के साथ खेल रही है टीम, टीम के 5 बॉलर जो कि 10+ विकेट ले चुके हैं, जहां पे मिचेल स्टार्क से भी टीम को बहुत उम्मीदें हैं। हर्षित राणा लास्ट गेम में 3 विकेट लिए थे। वहीं स्पिन बॉलिंग में सुनील राय ने अब तक 14 विकेट लिए हैं। वहीं पर अरुण चक्रवर्ती जो 16 विकेट के लेकर टीम के लीडिंग विकेट टेकर भी है। अब बात करते हैं कोलकाता का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि फिलिप्स सॉल्ट है, सुनील नारायण है, एंग्रीस रघुवंशी है, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह है, एंड्रे रसेल, वैभव अरोरा, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, मिचेल स्टार्क है। अगर इंपैक्ट प्लेयर में बात करेंगे जो कि अनुकूल रॉय है, सुहास शर्मा, रमनदीप सिंह है, गुरबाज या मनीष पांडे। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जो कि फिलिप्स सॉल्ट है, सुनील नारायण है, वरुण चक्रवर्ती है। अगर बात करते हैं दूसरी टीम यानी मुंबई इंडियंस का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, मुंबई इंडियंस का इस साल का परफॉर्मेंस अब तक सबसे खराब रहा है। इतने स्टार प्लेयर होने के बावजूद टीम एकजुट होकर परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है। लगातार 4 हार के बाद लास्ट गेम में टीम ने हैदराबाद को हराकर जीत के दर्ज की। अब तक टीम ने 12 मैच खेले, जिसमें से 8 मैच हार के आ रही है। अगर टीम की बैटिंग की बात किया जाए जो कि बहुत ही स्ट्रांग दिख रही है, ओपनिंग में देखें तो ईशान किशन के साथ रोहित शर्मा उतर रहे हैं, ईशान किशन बुरी तरह आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे हैं, रन भी नहीं बना रहे। वहीं रोहित शर्मा की बात किया जाए जो कि 4 इनिंग से रन नहीं बना रहे। तिलक वर्मा जो कि 384 रन के साथ टीम के लीडिंग रन स्कोरर भी है। वहीं पर सूर्य कुमार यादव जो कि लास्ट गेम में सेंचुरी बनाकर टीम को मैच जिताया था। लोअर ऑर्डर में बात किया जाए जो कि टीम डेविड हार्दिक पांड्या को भी रन बनाना होगा। बॉलिंग में बात करें जो कि टोटल 5 बॉलिंग ऑप्शन के साथ मैदान में उतर रही है टीम, जहां पे जसप्रीत बुमराह जो कि 18 विकेट के साथ टीम के लीडिंग विकेट टेकर भी है। वहीं पर हार्दिक पांड्या ने लास्ट कुछ मैचों में अच्छी बॉलिंग की है। स्पिन बॉलिंग में जहां पे पीयूष चावला ने लास्ट गेम में 3 विकेट लिए थे, वहीं पर नोहन तुषारा भी विकेट ला सकते हैं। अब बात करते हैं मुंबई का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, टीम डेविड, हार्दिक पांड्या, निहाल वदेरा, पीयूष चावला, अंकुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, नुआन तुषारा। अगर इंपैक्ट प्लेयर में बात करेंगे जो कि डिवाल ब्रेविस है, रोमारियो सैफराइड है, हार्विक देसाई है, नमन धीरे, आकाश माधवाल है। अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि रोहित शर्मा है,
तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं चलते विनर की ओर। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच विनर कोलकाता हुआ, क्योंकि कोलकाता का टीम बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे मुंबई इंडियंस को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहना, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।